हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो आज कर रही हूँ मैं रूम की सफाई। तो बस यहाँ पे मैं बेड के गद्दे उठा के बाहर निकाल के रख रही थी, क्योंकि फिर बेड खाली करके खिसकेगा, क्योंकि भरा है पूरा, ऐसे तो हटाया नहीं जाएगा। और इसके नीचे गंदा तो हो ही जाता है, क्योंकि कोने तक तो झाड़ू नहीं लगती ना, पीछे तक कितना भी झुक के लगा लो फिर भी रह ही जाता है। तो फिर बस मैं पहले गद्दे उठा के रख रही थी, फिर पूरा बेड खाली करेंगे उसके बाद। और फिर ये मैं ट्राली बाहर निकाल दी, मैंने पूजा घर रखा था ट्राली पे, तो इसे मैंने बाहर निकाल दिया था रूम से, एक बाद में साफ़ करके फिर लगा दूँगी। तो इसे मैं बाहर ही निकाल रही थी, इधर खड़ा कर दूँगी, फिर बाद में जब साफ हो जाएगा सारा उसके बाद अंदर कर देंगे। तो यहाँ मैं कोने से झाड़ू लगा रही थी ट्राली के नीचे से, जैसे कूड़ा निकला था तो फिर मैं वहीं से झाड़ू लगा रही थी। और फिर पंखा बहुत गंदा हो रहा था, फिर मैंने सोचा पहले पंखा साफ़ कर देती हूँ। तो पहले मोटा मोटा तो मैंने झाड़ू से साफ़ किया, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ किया। बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि यहाँ खाना बनता ना तो खाने की तो पंखा अपनी तरफ खींच ही लेता। हॉल वाला भी बहुत गंदा हो रहा है, और ये वाला भी, ऊपर का और नीचे का कम गंदे होते हैं, ये दो बीच वाले ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि यहाँ खाना बनता ना। तो बस यहाँ पर पंखा तो हो गया मेरा साफ, बिल्कुल एकदम से साफ़ हो गया, बहुत गंदा हो रखा था। फिर मैं अलमारी के ऊपर से हटा रही थी, ये गैस का डब्बा रखा हुआ था तो मैं इसे हटा रही थी, मैंने कल इसे हटा देती हूँ। और धूल सी हो रही थी वो झाड़ देती हूँ सारे में, कोई छोटा मोटा जो भी जाला वाला लग रहा था, क्योंकि वैसे तो साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन दिवाली पे तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग होती है, जैसे बारीक सफाई, जहाँ से हर कोना हर चीज़ खाली करके हटा के साफ़ करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एकदम से तो सारा नहीं होगा, कभी कुछ कर लेती हूँ कभी कुछ, तो इसलिए एक एक करके साफ़ करना फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले दो छत्ती और स्टोर किया था, और आज रूम कर रही थी। तो बस यहाँ मैं बेड खाली कर रही थी, जो बेड में कपड़े भरे हुए थे इन्हें निकाल के रख देते हैं सारों को बाहर। फिर अच्छे से सारी टाइल वाइल कमरा वमरा साफ़ करके, बेड के नीचे से पूरा साफ़ करके, उसके बाद में लास्ट में जचा देंगे। तो निकाल रहे थे बस, यहाँ काफ़ी कपड़े भरे हुए हैं बेड में, तो बस ये निकाल के सारे बाहर रख देते हैं। मैं निकाल निकाल के दे रही थी, संजीव रख के आ रहा हूँ। सारी टाइल वाइल बेड सब साफ़ कर दिया था, तो मैं कपड़े जचाने स्टार्ट कर दिए थे बेड में वापस से। एक बॉक्स तो ये वाला जचा दिया था, फिर ये इधर वाला जचा रही थी, और मम्मी तैयार हो रखी थी क
कलश लेने जाना था, क्योंकि यहाँ कथा होएगी तो पहले वो कलश की स्थापना करते ना, तो वहीं कलश लेने जा रही थी मम्मी। मैं काम कर रही थी तो मम्मी ने कहा चल मैं ले आती हूँ, तो बस मम्मी वहीं जा रही थी। फिर बस यहाँ मैंने साफ करके गद्दे वद्दे डाल दिए थे बेड पे और झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि छोटा छोटा उड़ के फिर से चला जाता है, तो 3-4 बार झाड़ू लगाई थी। एक बारी बेड हटाया था, अब एक बारी पहले ऐसे करके कई बार झाड़ू लगी थी। तो यहाँ मैं फिर ट्राली साफ कर रही थी, क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान रख देते हैं जो किचन का एक्स्ट्रा आता है, नमकीन बिस्किट मैगी वैगी ये वैसा सामान इसमें रख देती हूँ। तो देख रही थी क्या क्या रखा हुआ, सही से करके रख रही थी। और ये प्रसाद के अखरोट थे जो हम वैष्णो देवी से लाए थे, वो बचे हुए थे। और बस यहाँ फिर मैं बेड पे चादर लगा रही थी सारा काम करके रूम का, तो लास्ट में मैंने फिर बेड पे चादर लगा दिया था। फिर उसके बाद करेंगे बाहर का काम, और पोछा एक बारी तो कर दिया था पोछा, अब एक बारी। हेलो फ्रेंड, राम राम जी। तो बस अभी मैं नहा के आई हूँ और सफाई में लगी हुई हूँ। कल भी सफाई की थी, आज भी दिवाली की, वैसे तो करते रहते पर जब दिवाली की करते हैं पता नहीं कहाँ से इतना गंदा निकलता है, फिर भी कूड़ा निकल ही आता है। तो सुबह से लगी हुई थी, अभी 3 बजे हैं, मैं नहा के आई हूँ। और अभी नीचे जो 3 चाय बनाई है, संजय पेटीज लेके आया, आवाज़ मार रहे जल्दी आ जाओ, तो बस मैं अभी नहा के निकली थी, नीचे जा रही कि ठंडी हो जाएगी। तो अब हम खा लेते हैं चाय पेटीज, उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो चलते हैं अब नीचे। तो आज का व्लॉग यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।